अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल बेबी आयशा डेली रूटीन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी घरों में सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। तो हम भी अपने घर में सर्दी इंजॉय कर रहे थे। ये रात का टाइम था तो खाने में आज घर में कुछ नहीं बनाया था, तो बाहर से ऑर्डर किया था। तो हमने फ़िश ऑर्डर की थी, तो माशाल्लाह बच्चों को भी फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है और बड़ों को भी। वैसे भी सर्दियां हैं, आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट्स भी ज़रूर करना। आपके एक लाइक से और कमेंट से हमारा हौसला अफज़ाई होता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों के पैसे नहीं लगेंगे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो हम आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाएं, आप इंजॉय करो। और बस, तो ये नेक्स्ट डे था तो नाश्ता वगैरह हो गया था बच्चों का, तो आज मैं बनाने लगी थी आलू वाले चावल। तो बस फिर ना मैंने आलू वाले चावल की तैयारी स्टार्ट की। मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू काटे और 1.5 गिलास चावल का लिया, 3 टमाटर काटे, 1 बड़ा प्याज काटा, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया। और आज मैं सिंपल चावल बनाने लगी थी, इसमें कोई रेड चिली वगैरह, कोई मसाला, बिरयानी मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी ताकि बच्चे भी इसे खा सकें। आज बच्चों ने कहा था, काफ़ी दिन से हमारे घर चावल नहीं बन रहे थे क्योंकि बच्चों का, बड़ों का गला ख़राब था, खांसी थी बच्चों को, तो इसलिए अब सबकी तबीयत सही थी। तो फिर आज फिर चावल खाने का मूड था बच्चों, बड़ों का, सबका। तो मैंने सिंपल बग़ैर रेड मिर्चों के मैंने चावल बनाए। इसमें मैंने जीरा, काली मिर्च, लौंग और हल्का सा गरम मसाला और नमक, बस यही मसाले मैंने ऐड किए थे, इससे ज़्यादा मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी ऐड कर लिया था, 1 बड़ा सा प्याज कटिंग करने के बाद घी ऐड किया था। जब हमारे प्याज ब्राउन हो गए थे तो हमने ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं किया था, बिल्कुल लाइट सा कलर दिया था। उसके बाद हमने अदरक और लहसुन और सब मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था मैंने वो ऐड किया था। तो जैसे जैसे ये रेसिपी बनाते जाएंगे आपको दिखाती जाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार शानदार बने थे। उसके बाद फिर मैंने टमाटर इसमें ऐड किए थे, जो 3 अदर टमाटर हम लोगों ने काटे थे। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ तो सर्दी कम हो गई है ना मुल्तान में, आप लोग भी बताना आपके एरिया में सर्दी कैसी है, आप लोगों की सर्दी कम हुई या नहीं हुई। तो हमारी सिटी की तो सर्दी कम हो गई है, पहले से काफ़ी बेहतर मौसम हो गया है। सर्दियां तो पहले आने का नाम नहीं ले रही थी और जब आई थी तो इस बार बहुत ही ज़बरदस्त आई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली आई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी इस बार। पर ये सर्दी बहुत ही कम टाइम के लिए थी, अब एकदम से दोबारा से मौसम चेंज हो गया है। अब रूम में हीटर वगैरह नहीं जला सकते हम लोग, तो अब बच्चे दिन के टाइम बग़ैर कंबल के, बग़ैर रज़ाइयों से आराम से सब लोग बैठ सकते हैं। चलें फिर, यह हमने अपना मसाला बनाना ऐड शुरू किया। तो हमारे प्याज और टमाटर नरम हो गए थे तो हमने सारे मसाले ऐड किए थे, आलू ऐड किए थे। अब हम आलू की अच्छी से भुनाई कर रहे हैं। जब हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, मसाला हमारा सारा फ्राई हो जाएगा, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने 1.5 गिलास चावल लिया था तो हम 3 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। आप लोग भी क्या सब ऐसे ही करते हैं, कुछ लोग पानी की मकदार कम रखते हैं ताकि हमारा चावल टूटे ना, साबुत रहे। पर मैंने चावल नरम करना होता है इसलिए मैं पूरा ही पानी डालती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, बच्चों को सख्त चावल नहीं पसंद होता। तो मेरी कोशिश यही होती है चावल अच्छे से गला हुआ हो, नरम हो, ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो और मज़ा आए। तो फिर भी इनके पापा को डर था, उन्होंने कहा नहीं ना, अभी बच्चों को चावल नहीं देते, आप इनके लिए खाना बनाओ। तो आयशा ने अचानक से फरमाइश कर दी, मम्मा मुझे आलू वाला पराठा चाहिए। अब मैंने सोचा इतनी मेहनत दोबारा से मैं कैसे करूँ, तो मैंने क्या किया, चावलों के अंदर से ही आलू लिए
उन आलूओं को मैश किया और हल्का सा दोबारा से नमक और काली मिर्च सिर्फ ऐड की और आलू वाला पराठा आशा के लिए तैयार हो गया था। आशा ने इंजॉय किया अपना आलू वाला पराठा। तो रमेल ने कहा, मम्मा मुझे चीनी वाला पराठा चाहिए। मैंने कहा, हाजिर जी। तो बस फिर मैंने रमेल की फरमाइश पर चीनी वाला पराठा बनाया। अच्छा प्यारे दोस्तों, माँ बाप जैसा कोई भी नहीं होता दुनिया में। जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तो फिर हमें माँ बाप की का एहसास होता है कि माँ बाप हमारे लिए कितने ख़ास हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया, कितनी कुर्बानियाँ दी। दुनिया का कोई दूसरा रिश्ता ऐसा नहीं कर सकता ना औलाद के लिए, जो सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं। तो हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। तो उनकी हमें कदर तब होती है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। जब हम पर ख़ुद वो वक्त गुजरता है तो हमें पता चलता है ना, तो हमारे माँ बाप ने हमें कितनी मेहनतों से पाला, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, ना रात ना दिन देखते थे। बाकी बच्चों के लिए पूरी रात जागना पड़ता है, तो ना ही दिन को माँ सुकून कर सकती है ना ही रात को, तो ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, उनकी खिदमत करने वाला बनाए। तो बस फिर शाम का टाइम था, तो अपने लिए बीफ लाए थे, इनके पापा बच्चों के लिए चिकन लाए थे। तो हमने, आशा को चिकन बोटी बहुत पसंद है, तो हमने कहा चले ना आज घर में बना लेते हैं चिकन बोटी। तो मैं यहाँ फिर बच्चों के लिए चिकन बोटी फ्राई कर रही थी और अपने लिए हम लोगों ने बीफ चढ़ाया था प्रेशर कुकर में। तो बीफ में भी सिंपल ही प्याज टमाटर अदरक लहसुन, आज मैंने पीस कर नहीं डाला था पेस्ट बनाकर, अदरक लहसुन मैंने कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि प्रेशर कुकर में तो वैसे इसका पेस्ट ही बन जाना था। तो हमने सिंपल बस मसाले ऐड किए थे, धनिया पाउडर और हल्की सी मिर्च डाली थी मैंने, क्योंकि आज हमने वाइट इसमें, पहले भी हमने एक बार बनाया था तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बना था, तो हमने वाइट में बनाना था, तो इसलिए हमने इसमें इतने मसाले ऐड नहीं किए थे। तो इसे हमने प्रेशर कुकर की सीटी लगा दी थी। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारा ये सालन कितना ही मज़ेदार बन गया था। तो मैंने इसे 20 मिनट की सीटी लगाई थी ताकि हमारा बीफ अच्छे से रेडी हो जाए, नरम हो जाए। और एक बड़ा गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया था, तो बस फिर ये इसमें सीटी लगा दी थी। अच्छा, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो जो मेरे चैनल में न्यू आने वाले हैं, जो पुराने हैं, और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मुझे इतना प्यार देते हो और मेरी वीडियो अच्छे से वॉच करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। आप लोगों का इसी साथ प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जैसे अच्छे अच्छे व्यूवर्स की, दोस्तों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला जिन जिन के चैनल हैं सबको कामयाब करे और अल्लाह मुझे भी कामयाब करे। तो बस ये हमारे गोश्त की भुनाई आ गई थी, तो मैंने यहाँ करीम डालना स्टार्ट की थोड़ी थोड़ी करके, तो इससे जायका और मज़ेदार हो गया था। इतना टेस्टी, बिल्कुल होटलों वाला जायका आ रहा था, वाइट कढ़ाई जैसे खाते हैं होटलों में। तो बस हमने घर में ही वाइट कढ़ाई अपने ही तरीके से बनाई थी। तो फिर रात को बच्चों को पापा ने सरप्राइज़ दिया, आशा को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनके पापा बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लाए थे। बच्चों ने पार्टी की, इंजॉय किया, तो बहुत खुश हो गए तीनों बच्चे। तो माँ बाप की खुशी तो इन बच्चों की खुशी में ही शामिल होती है, ये छोटी छोटी खुशियाँ देकर हम बच्चों को खुश करते हैं, तो इससे माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलें, आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखना। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ। आप भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और मेरे बच्चों को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।